वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम स्टफ्ड आलू मसाला। इसके लिए हमने लिया है पहले मशरूम और आलू। आलू को मैंने बीच में से ऐसे निकाल लिया है। इस साइड ही ऐसे है लेकिन इसका सारे निकाल दिए। इसमें हम स्टफिंग करेंगे और प्याज, धनिया, टमाटर और ये मसाला पीसेंगे। इसमें मैंने लहसुन, मिर्ची, अदरक लिया है, एक चम्मच जीरा भी लेंगे। फिर इसमें है मिर्ची, नमक, हल्दी और ये गरम मसाला। और ये मैंने लिया है सरसों का तेल और ये रिफाइंड तेल, दोनों हम यूज़ करेंगे। इसको सब्ज़ी बनाने में यूज़ करेंगे, इसको ये जो आलू स्टफिंग है इसको फ्राई करेंगे। हम पहले ये मशरूम को फ्राई करेंगे, हल्का फ्राई करेंगे। इसमें लेना है मशरूम को। मशरूम में नमक डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालना है। एक चम्मच हल्दी भी डालेंगे, थोड़ा ये मिर्ची। इसमें मैंने सरसों का तेल लिया है। मिला लेंगे सबको। अब ये हो गया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे। दो चम्मच तेल, थोड़ा सा सरसों डालेंगे, और हम ये मशरूम को डाल देंगे। आप देख सकते हो मशरूम का कलर अच्छा आया है। अभी हो चुका है, गैस को बंद कर देंगे। स्टफिंग करने के लिए हमें एक चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, एक चम्मच बेसन, नमक थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा मिर्ची पाउडर। फिर हम इसे मिला लेंगे।
इसमें पानी देंगे थोड़ा। पतला नहीं करना है इसको, गाढ़ा करना है। इतना ही करना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। ये हो गया है। इस आलू में मशरूम को भरेंगे। ये जो बैटर है इसको इसे यहाँ पे लगाएंगे। अब आलू स्टफ तैयार है, इसको इसे हम फ्राई करेंगे। बस फ्राई जितना होगा उतना ही तेल लेना है। दूसरी साइड पलट देंगे। यहाँ पे गैस को थोड़ा लो फ्लेम करेंगे। अभी हो गया है, हम इसे निकाल लेंगे। ये जो कैप्सिकम और प्याज हमने रखा था इसको थोड़ा हाफ फ्राई करेंगे। अभी से हम निकाल लेंगे। जिसमें हम फ्राई किए थे उसी कढ़ाई में हम करेंगे। ये सरसों का तेल है। प्याज डालेंगे। प्याज का थोड़ा कलर आ गया है। मैं ये जो लहसुन मिर्ची और अदरक जीरा का पेस्ट बनाया है हल्दी डालेंगे। मिर्ची का पाउडर,
थोड़ा सा नमक, और हम इसमें टमाटर डालेंगे। मैंने 2 टमाटर लिया है। गैस को थोड़ा लो करके कवर कर लेंगे। अब हम निकाल के थोड़ा देखेंगे इसको। गैस को फुल करते हैं। मसाला भी हमारा रेडी है। आलू स्टफिंग को डालेंगे इसमें। गैस को सिम पे रखेंगे, 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं। दूसरे साइड इसका पलट देंगे। गैस को हाई कर देंगे। थोड़ा पानी देंगे इसमें। गैस को हाई पर रख के इसको ढक्कन लगा देंगे। इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। ये जो फ्राई करके रखा था कैप्सिकम और प्याज, इसको भी डाल लेंगे। थोड़ा धनिया डाल देंगे। अब इसमें हम सर्व करेंगे। अब हमारा मशरूम स्टफ्ड आलू मसाला बनके तैयार है। आप इसे घर पे जरूर बनाना। कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।